गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट EVS चैप्टर 14 पढ़ेंगे, वो है फूड एंड फन। एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड फूड, बट इट मेक्स मोर सेंस टू टॉक ऑफ इट एज बीइंग ओनली दोज प्रोडक्ट्स एंड पीपल इंजॉय ईटिंग। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हम जो भी कुछ खाते हैं वो क्या है, फूड है ना, खाना है ना, दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गई, व्हाट इज दिस, दिस इज फूड, ये फूड है, खाना है, हमें जो खाना है, वी गेट आवर फूड। और ये जो खाना है हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट और एनिमल से, पौधों और जानवरों से। अब हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। आवर बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। Food give us energy. Good food means good health. Right kind of food improves the health of person. The main uses of food are, बाद में हम बात करते हैं। हमारा अब हमारी जो body है ये continuously working करती है, यानी कि लगातार कोई ना कोई हम हरकत कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, इधर मतलब जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कहीं बाजार, मतलब कुछ भी, everything, कुछ भी हम करेंगे, कोई मतलब हमारी body जो है वो काम तो कर रही है ना। अब हमारी बॉडी को जिसे कहते हैं ताकत, ताकत के लिए क्या जरूरत है, वी नीड एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम खाना खाते हैं। तो फूड गिव अस एनर्जी, तो जो खाना है उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अब हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें अच्छी हमारी सेहत होगी, ठीक है। राइट काइंड ऑफ फूड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पर्सन, अब सही तरीके से हम खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, सही मतलब टाइम टू टाइम खाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट खाएंगे, दोपहर को लंच करेंगे, रात को डिनर करेंगे, मतलब एक टाइम टू टाइम अगर हम सब कुछ खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी सेहत भी अच्छी होगी। अब द मेन यूज ऑफ फूड आर यूजेस, अब हमारे जो फूड है ये हमारे किन किन काम, क्या काम करता है। इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, ताकत आती है ताकि हम काम कर सके। इट मेक अस स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग बनाता है। इट बिल्ड्स अवर बॉडी, हमारी शरीर की मजबूती बनाती है। इट मेक अस ग्रो, हमें ये जल्दी से मतलब कि ग्रो, मतलब कि ग्रो होता है कि बड़े होना, ठीक है, बड़े होना, जैसे टाइम टू टाइम, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम जब हेल्थी खाना देंगे तो उसकी सेहत भी अच्छी होगी और वो बढ़ता भी अच्छा है। इट रिपेयर्स द बॉडी पार्ट्स, अब ये रिपेयर्स भी करता है बॉडी पार्ट्स का। इसके बाद इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज एंड वी एंजॉय गुड हेल्थ। इसके अलावा ये बहुत से कीटाणुओं को भी हमारे मतलब शरीर के काफी कीटाणुओं को मारता है, और हम जो खाना खाता है खाना खाते हैं हम बहुत ही इंजॉय करके, जो भी है अच्छा खाना जो है खाते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे इसकी एक, व्हाट इज फूड, खाना क्या है, फूड, फूड जो है, फूड सबसे पहले बात करते हैं हमने कि एनीथिंग दैट पीपल, हम कुछ भी खाना खाएंगे, एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड फूड, ठीक है। सेकंड आता है हमारा, व्हाट डज फूड गिव अस, अब खाना हमें क्या देता है, तो खाने से हमें क्या मिलता है, तो फूड, फूड गिव अस एनर्जी, गुड फूड मीन्स गुड हेल्थ, खाना जो है वो हमें ताकत देता है, और अच्छा खाना होगा तो हमारी अच्छी सेहत होगी। गिव मेन यूजेस ऑफ फूड, अब हमें कुछ मेन यूजेस ऑफ फूड के बताने हैं, हमारे क्या क्या काम आता है फूड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, द मेन यूज ऑफ फूड आर, इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, इट मेक अस स्ट्रांग, इट बिल्ड्स अवर बॉडी, इट मेक अस ग्रो, इट रिपेयर्स द बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे आगे फूड्स के यूजेस आ गए, हमने बात की फूड क्या होता है, और उसके बाद हमने बात की कि फूड हमें क्या क्या देता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड्स की, कितने तरह के मतलब कि कितने टाइप के फूड होते हैं। ऑल फूड फॉल इनटू थ्री टाइप्स, तीन तरह के टाइप्स, थ्री टाइप्स के फूड होते हैं। दे आर, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स की, जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड जिसमें कि मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स आर द थ्री टाइप्स ऑफ फूड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको इसके बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो जितना मैंने आपको बताया है, व्हाट इज फूड, व्हाट डस फूड गिव अस, एंड थर्ड क्वेश्चन इज गिव मेन यूजेस ऑफ फूड, ये आपको अच्छे से लर्न करना है और कॉपी में लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।